हर जिला मुख्यालय पर सोमवार को विद्यार्थी मित्रों ने प्रदर्शन किया। इसी क्रम में झुंझुनू में भी कलेक्ट्रेट पर प्रदेश संयोजक अनिल शर्मा के नेतृत्व में विद्यार्थी मित्रों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थी मित्रों के लिए पंचायत सहायक भर्ती निकाली थी, लेकिन कुछ स्कूल के पीओ ने जानबूझ करके विद्यार्थी मित्रों को इस भर्ती से बाहर कर दिया और अपने चहेतों को इस भर्ती में शामिल कर लिया। जबकि विद्यार्थी मित्र पिछले 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं और उसके बावजूद भी इनको इनका हक नहीं मिल पाया, और हम इस भर्ती की जांच के लिए आए हैं कि इस भर्ती की जांच करें और हमारा एक भी विद्यार्थी मित्र इस भर्ती से वंचित नहीं रहे, सबको रोजगार मिले। और अगर सरकार हमें रोजगार नहीं देगी तो हम ऐसे कदम उठाएंगे जिसकी सरकार कल्पना भी नहीं कर सकती है। इसलिए आए हैं आज पूरे 33 जिलों में, पूरे राजस्थान में कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक ज्ञापन पहुंचा रहे हैं कि हमारे सब विद्यार्थी मित्रों को इस भर्ती में शामिल किया जाए।